ये आ गया लैंडस्लाइड एरिया, यहाँ पे हुई है लैंडस्लाइड, देख रहे हो खतरनाक वाली लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर। और इसको जब क्लियर किया तो रास्ता टूट गया, जेसीबी यहाँ पे खड़ी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है और उसको क्लियर करने के लिए ही खड़ी है। और आगे भी देखो कितनी लैंडस्लाइड हुई है यार, पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो मतलब है यहाँ पे पत्थर गिरते होंगे। ड्यूटी लगी हुई है इनकी तो यार। आगे भी पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई है, इसका मतलब कुछ तो बात है। और नीचे देखा मंजर देखो कितना खतरनाक, ओहो हो, ये साइकिल पे चले हुए हैं गोप्रो लगाकर, बहुत ही बढ़िया। चलो 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 चलो, सारा रास्ता टूटा हुआ है, धूल मिट्टी, ओहो मिट्टी से भर दिया है इन्होंने बिल्कुल, शिमला से कालपा तक की बस सर्विस। उस तरफ आएगा शायद किन्नौर गेट, तो चलते रहते उसी तरफ। अब ये थोड़ा सा एरिया जो है ये थोड़ा कम लैंडस्लाइड वाला एरिया है, यहाँ पे भी आगे लैंडस्लाइड हुई है। तो ये देखो क्या खूबसूरत झरना, तो यहाँ पे भी देखो ये हुई है लैंडस्लाइड, ये गिर रहे पत्थर ऊपर से, निकल लेते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी। पत्थर गिर रहे थे आपने देखे होंगे, पत्थर गिर रहे। अच्छा काम कर रहे, ठीक है ऊपर से काम कर रहे हैं वो। यहाँ पे भी ये लगा रखे हैं ताकि पत्थर वगैरह ना गिरे। यहाँ पे व्हीकल चल रहे हैं, पहले इनको निकलने देते हैं और इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे ख़तरनाक वाली लैंडस्लाइड हुई है लग रहा है, और यहाँ पे दीवारें भरी जा रही हैं नीचे, अच्छे से सीमेंट डालना, मजबूत बने दीवारें। अच्छा लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर, इसलिए पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पर काफ़ी सारे। एम्बुलेंस कितनी देर पहले निकली से मेरे से और अभी तक यहीं पहुँची है ये, तो ये फ़ायदे हैं बाइक के। ओहो कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है यहाँ पर, तो सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, वैसे भी चलो ख़राब ही हैं। ओहो आंधी आ गई यहाँ तो।
यहाँ किन्नौर में बहुत जगह लैंडस्लाइड हुई हुई है, बहुत जगह लैंडस्लाइड की। अच्छा ये आ गया भाई हमारा किन्नौर गेट। तो कैसा लगा ये किन्नौर गेट, अचानक से आया? चलो बस बीच में से निकल रही है, इसको रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं और लोग अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवाते हुए। और कितने सारे लोग हैं यहाँ पे खड़े होके अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पे है एक ढाबा भी, तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना उस ढाबे पे खाना खाया जाए। चलो यहाँ पे लगाते हैं अपनी बाइक ऊपर घुमा के। ये है वो किन्नौर गेट, गेटवे ऑफ किन्नौर, जिसमें से अभी मैं बीच में से निकल कर आया हूँ। आपको गोपुर में दिखाया था कि कैसे बस इसके अंदर से निकली थी। और ये देखो ये बीच में से पहाड़ को काटा हुआ है और दोनों तरफ से ये टिका हुआ है। और ये पहाड़ की पूरी एक सिंगल पीस है, ऊपर से लेकर नीचे तक खूबसूरत नज़ारा किन्नौर गेट का। गेटवे ऑफ किन्नौर से निकलने का हो गया टाइम, अब यहाँ से निकलते हैं अपनी आगे की जर्नी जो कि है ज्यूरी। पहले ज्यूरी पहुँचते हैं फिर डिसाइड करते हैं किधर जाना है किधर नहीं जाना है। ये ग्रुप आया हुआ लगता है, काफ़ी बाइकर्स जा रहे हैं, बहुत सारे बाइकर्स जा रहे हैं, कोई गिनती नहीं है बाइकर्स की। टिक जा भाई टिक जा, काहे जल्दी है, जब सब जा रहे हैं तो रास्ता दे दो उनको। ये सारे के सारे राजस्थान से आए हैं रेंटेड बाइक लेकर। ओहो अब देखो दिल्ली शिमला सांगला, पीछे देख लिया करो भाई, वो पीछे करने लगा हुआ है, पीछे इसने देखा नहीं और बैक कर रहा है। पेल दिया था उसने मेरे को अभी, ये तो हॉर्न मार दिया, उसे वक्त रहते हॉर्न मार दिया उसको तो उसे खतरे का आभास हो गया, तो इसलिए उसने ब्रेक मार दी। ट्रक लगता है चौड़ा होता है इसलिए ट्रक नहीं निकल रहा था, उसने बैक किया। लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हुई है किन्नौर में यार। चलो चलता रहता हूँ, पहुँचते हैं ज्यूरी फिर देखते हैं आगे क्या है प्रोग्राम, सरहान का या नारकंडा का। ये देखो क्या खूबसूरत झरना। और ये है गाड़ी धोने का एक बहुत बढ़िया जगह, लेकिन इसे बंद कर दिया, देखो सामने ताला लगाकर यहाँ पे लोग गाड़ी धोते थे। और ये देखो कितना ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, इतने सारे पशु किसके हैं? वो हैं आगे बैठे हुए हैं, इनके हैं ये पशु। वैली में लैंडस्लाइड हुई हुई है काफ़ी ज़्यादा, इसी तरह यहाँ किन्नौर में भी काफ़ी लैंडस्लाइड हुई है काफ़ी जगह पे। कई पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे ठीक ठाक लैंडस्लाइड हुई है और रास्ते वहाँ पे ख़राब हो चुके हैं। इसी के साथ वो किन्नौर वाला जो ख़तरनाक वाला पोर्शन था
उसका हो गया है अंत और यहाँ से फिर से शुरू हो गया है डबल लेन हाईवे। अब हाईवे पक्का है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन डबल लेन हाईवे शुरू हो गया है। बीच बीच में कुछ पोर्शन टूटा मिलेगा क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत हुई है इस बार, पहाड़ों में बारिशें भी बहुत अच्छी खासी हुई हैं। ये देखो है ना बढ़िया वाला डबल लेन हाईवे, यहाँ पे कहाँ पे घर बनाते हैं लोग यार, कमाल है। देखो थोड़ा सा रास्ता ठीक आया, द्वारा टूट गया बीच में से। तो पहाड़ों पे तो रास्तों की कोई गारंटी नहीं है कितना समय टिकेंगे, लेकिन रास्ते फिर भी अच्छे हैं। बहुत जगह अगर मैंने देखी हैं, इवन तक पंजाब में भी बहुत रास्ते टूटे हुए हैं, उनके मुकाबले तो हिमाचल के रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। मैं पहुंच चुका हूं ज्यूरी में और 1 किलोमीटर रह गया ज्यूरी यहां से, रामपुर यहां से 24 किलोमीटर शिमला 153। अब ज्यूरी से एक टर्न जाता है ऊपर लेफ्ट साइड में, उसी टर्न से मुझे जाना है सराहन, और सराहन में है फेमस भीमाकाली टेंपल और खूबसूरत नज़ारे प्रकृति के। ये हो गई एंट्री ज्यूरी में, आ गया ज्यूरी का बाजार। और ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है यही सराहन को जा रहा है और 17 किलोमीटर है यहाँ से सराहन। सो इसी के साथ गाइस ले लिया है वो टर्न सराहन के लिए, सिंगल लेन ये रास्ता है और उस 17 किलोमीटर पहुंचने के लिए लगेंगे कम से कम आधा पौना घंटा। चौथी बार मैं सराहन में आ रहा हूँ, पहली बार मैं सिंगल आया था 2019 में, उसके बाद दूसरी बार मैं अपने दोस्त मिस्टर जगदीश जो कि मेरे साथ में 2021 में स्पीति राइड के पार्टनर भी रहे थे, उसके बाद 2021 में फिर से दोबारा नवंबर मंथ में मैं ज्यूरी आया था अपने साथ के कुलीग्स के साथ, और इस बार 2023 में मैं फिर से सराहन जा रहा हूँ। तो चौथा चक्कर मेरा हो रहा है सराहन में। सराहन में मैंने रूम ले लिया है और चेक इन कर लिया है, हाथ धो के मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ, मेरे कपड़े डाल लिए, अब मैं जा रहा हूँ सराहन टेम्पल की ओर।